हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड? ओके, सो बेटा आज अपना क्लास सेकंड का इंग्लिश का हम अपना नया चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 5 का नेम क्या है? ऑक्यूपेशन। क्या है? ऑक्यूपेशन, यानी कि अब आप कहोगे कि मैम ऑक्यूपेशन क्या होता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम यही रीड करेंगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है? एंड क्या क्या किस किस टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करें, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ऑक्यूपेशन की। चैप्टर का नाम ही अपना ये है, तो सबसे पहले हम एक बार इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? सो क्या है वर्क विच वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। क्या है वर्क विच इज सॉरी वर्क विच वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि हम क्या करते हैं बेटा, कुछ काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है? पैसे कमाने के लिए हम जो काम करते हैं, बाहर जाकर, घर से बाहर निकलकर हम अपने घर के अपनी बेसिक नीड्स के लिए, यानी कि हमें अपने कपड़े, अपना खाना, ठीक है, रहने के लिए घर, और इन सब जो हमारी बेसिक जरूरतें होती, बेसिक हमारी नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हम जो वर्क करते हैं, ठीक है, जिनसे हमें फिर क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन, यानी कि हमारा काम। अब पूछते ना, आप भी कई बार स्कूल में आते हो तो हम भी आपसे क्वेश्चन करते हैं कि बेटा आपके पापा क्या काम करते हैं, ठीक है, पापा का ऑक्यूपेशन क्या है? तो आप क्या बताते हो, मैम मेरे फादर आर्मी में है, ठीक है। कोई कहता है मैम मेरे फादर डॉक्टर है, मेरे फादर टीचर है, ठीक है। या मदर के बारे में आप बताते हो तो क्या कहते हो, मेरी मदर टीचर है, वो एक बैंकर है, ठीक है। या किसी का अपना खुद का बिजनेस होता है, ठीक है, कि मैम हमारा अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है, वो क्लॉथ शॉप हो सकती है, ग्रॉसरी शॉप हो सकती है, या कुछ भी, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रैवलर, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, तो सबका एक काम होता है कि जिससे हमें क्या मिलते हैं, पैसे, हम रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो वही क्या है हमारा ऑक्यूपेशन है, ओके। चलिए सो अब ये देखो एग्जांपल्स के लिए मैंने आपके लिए लिखा क्या है यहाँ पर, डॉक्टर। डॉक्टर आप सबको पता है डॉक्टर क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कोई और भी बीमारी हो जाता है, टमी अपसेट हो जाता है, सब में दर्द हो जाता है, ठीक है, ठीक है, हैजेट हो जाता है, तो क्या करते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं हमें दवाइयाँ देते हैं, टैबलेट्स देते हैं या कोई सिरप देते हैं आपको, ठीक है, और फिर आप वो लेते हो, ठीक हो जाते हो, ठीक है। और हम उन जो डॉक्टर हमें जो दवाइयाँ देता है, सिरप देता है, हम उसके लिए उनको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। क्या दे देते हैं उनको, पैसे, कि ये आप पैसे लीजिए, ठीक है। तो वो देखो उन्होंने कमाए ना, हम उन्होंने हमें चेक किया, हमें दवाई दी और दवाई के बदले हमने उन्हें क्या दिया, पैसे दिए, ठीक है, ग्रोसर,
ओके, जो जो जिससे हम अपनी सब्जियां अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन समझ में आया आपको क्या है कि पैसे कमाने के लिए, ठीक है, हम जो वर्क करते हैं वही क्या है हमारा ऑक्यूपेशन है। पैसे क्यों कमाते हैं? अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब आपकी जरूरत क्या है? खाना है ना, खाना चाहिए ना सभी को, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए ना पहनने के लिए, आपके स्कूल की फीस, ठीक है। तो ये सब फुलफिल किससे होते हैं? मम्मा पापा जो वर्क करते हैं उन पैसे से, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिकैप रिवाइज करें इसको, क्या है ऑक्यूपेशन? वर्क विच वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। क्या क्या है वो? एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, ग्रीन ग्रोसर, ओके। और बेटा जो भी हमारे आसपास होते हैं, हमें उनकी जो भी हमारे, जैसे मैंने आपको अभी बताया डॉक्टर, टीचर, पुलिस, ग्रीन ग्रोसर, या कोई आपके घर में मेड आती है वर्क करने के लिए, हमें इन सब की क्या करनी चाहिए? आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। सो मैं चलो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स है इससे, मैं बोलते आपको मुझे बताना कि ये ऑक्यूपेशन कौन सा है, ठीक है। अ पर्सन हु ट्रीट अस व्हेन वी फॉल सिक। जब हम बीमार होते हैं और हमें जो पर्सन क्या करता है, हम किसके पास जाते हैं, जो हमें ट्रीटमेंट देता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर। क्या कहते हैं उसको? डॉक्टर, ठीक है। अ पर्सन हु टीच अस इन स्कूल, वो पर्सन जो आपको स्कूल में क्या करता है या हमें स्कूल में पढ़ाता है, क्या कहते हैं उसको? वो कौन सा ऑक्यूपेशन है? क्या है? टीचर। ओके नाउ, अ पर्सन हु कैच थीव्स एंड रोबर्स, वो पर्सन कौन, क्या होता है ऑक्यूपेशन पर्सन का, जो कि क्या करता है हमें चोरों से, डकैतों से, उनसे क्या करता है? बचाता है, सेव करता है उनसे, कौन सा ऑक्यूपेशन है वो? पुलिस। कौन सा है? पुलिस, ठीक है। अब द पर्सन हु मेंड्स आवर शूज, आप घर में कई बार देखते हो आपके शूज हल्के से फट जाते हैं, कभी हमारे जो स्लीपर्स होते हैं वो हल्का से जगह से कैसे टूट जाता है, तो हम उसको रिपेयर करवाते हैं, बाहर जाते हो ना रिपेयर करवाते हो, तो जिस पर्सन से आप उनको रिपेयर करवाते हो उस पर्सन को क्या कहते हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या है, कौन है वो? कॉबलर। क्या बोलते हैं उसको? कॉबलर। अ पर्सन हु सेल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, क्या होता है उसका ऑक्यूपेशन, क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन ग्रोसर। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन ग्रोसर, ओके। अ पर्सन हु वर्क इन गार्डन, अब हमारे स्कूल का भी गार्डन, आपके घर पे भी होगा गार्डन, ठीक है। तो जो गार्डन में जो पर्सन जो वर्क करता है, काम करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है, ठीक है, उनको पानी देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गार्डनर। क्या बोलते हैं? गार्डनर, ठीक है। तो आपको ऑक्यूपेशन और इसको, इसकी स्टेटमेंट को, ठीक है, जो डेफिनेशन हमने दी है इसको, ये सब और ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, इनको क्या करना है? लर्न करना है और आपने अपने बुक में इसको फिल करना है, ओके। थैंक यू।